नमस्कार दोस्तों, मैं सुकुमार आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल एएसपी इन्फो हब में। दोस्तों, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुँच सके जल्द से जल्द। दोस्तों, आज मैं आपको जिस ट्रेन के बारे में बताने जा रहा हूँ वह ट्रेन नई दिल्ली और लखनऊ जंक्शन के बीच चल रही है। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम है लखनऊ मेल कोविड-19 स्पेशल। दोस्तों, जब यह ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ जंक्शन की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 02230 और जब यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली की तरफ जाती है तब इसका नंबर होता है 02229। दोस्तों, लॉकडाउन से पहले इस ट्रेन का नंबर दूसरा होता था। जब यह ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ जंक्शन की तरफ जाती थी तब इसका नंबर होता था 12230 और जब यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली की तरफ जाती थी तब इसका नंबर होता था 12229। दोस्तों, इस ट्रेन की रैक शेयरिंग किसी भी ट्रेन के साथ नहीं है, इस ट्रेन के दो डेडिकेटेड रैक हैं। दोस्तों, फिलहाल कोविड-19 की वजह से इस ट्रेन में पेंट्री कार उपलब्ध नहीं है, ऑन बोर्ड कैटरिंग उपलब्ध नहीं है और ई कैटरिंग भी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, इस ट्रेन को नई दिल्ली से लखनऊ जंक्शन के बीच ले जाने और ले आने का काम गाजियाबाद बेस्ड इलेक्ट्रिक इंजन WAP-7 करता है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस ट्रेन में कौन कौन से कोच हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में दो ईओजी कोच हैं, चार सेकंड एसी के कोच हैं, एक फर्स्ट एसी का कोच है, पांच थर्ड एसी के कोच हैं, आठ स्लीपर डब्बे हैं, दो सेकंड सीटिंग के कोच हैं। टोटल दोस्तों इस ट्रेन में 22 कोच हैं। दोस्तों, यह ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ जंक्शन के बीच 7 के 7ों दिन चलती है। इस बीच दोस्तों यह ट्रेन 491 किलोमीटर का सफर तय करती है, वह भी 8 घंटे 50 मिनट में। दोस्तों, इस बीच यह ट्रेन 8 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। दोस्तों, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटे की होती है और मैक्सिमम इस ट्रेन को 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, नई दिल्ली और लखनऊ जंक्शन के बीच यह ट्रेन टोटल 82 इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुकती है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं यह ट्रेन किन किन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। जैसा कि दोस्तों यह ट्रेन नई दिल्ली से चलती है, फिर गाजियाबाद जंक्शन पहुंचती है, फिर हापुड़ जंक्शन पहुंचती है, फिर मुरादाबाद जंक्शन पहुंचती है, फिर रामपुर जंक्शन पहुंचती है, फिर बरेली जंक्शन पहुंचती है, फिर शाहजहांपुर पहुंचती है, फिर हरदोई पहुंचती है, फिर आलमनगर पहुंचती है और फिर आखिरकार अपने डेस्टिनेशन स्थल लखनऊ जंक्शन पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद अब चलिए देख लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड। इस वीडियो में आपने इस ट्रेन की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना और इस ट्रेन की स्पीड को देखा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो जानकारी नहीं दे रहा हूँ, एक इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और एक इस ट्रेन के किराए के बारे में, क्योंकि दोस्तों किराया कभी भी घटिया बढ़ सकता है और टाइम टेबल कभी भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंच सके जल्द से जल्द। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वक्त कोविड-19 का प्रकोप जारी है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने और निरंतर अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें और अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक पूरी करें। धन्यवाद दोस्तों।